लिए देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर। लॉकडाउन के दौरान ऑन ड्यूटी पुलिस पीएसआई को मिला सरप्राइज। फिलहाल कोरोना महामारी की संकट की घड़ी में किसी का जन्मदिन मनाना काफी मुश्किल हो गया है। ये ध्यान में लेते हुए सीतामढ़ी यहाँ के पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने अपने एक सहकर्मी पुलिस को सरप्राइज देते हुए बंदोबस्त की जगह जन्मदिन मनाया, और वो भी संगीत के सुर और लयबद्ध तरीके से। आप जैसे लोगों को और मेरे पुलिस स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरी फैमिली मेरे साथ में नहीं है, फिर भी मेरा बर्थडे जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज कोविड-19 की वजह से सभी भारत भर में और सभी जग में ये जो महामारी फैली है, और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी साहब और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी साहब ने जो मार्गदर्शक तत्व अपने को बताए हैं, उसके चलते मैं यही बताना चाहता हूँ कि लोगों को घर से बाहर ना निकले, खुद को संभाले, अपने परिवार को संभाले। उनके लिए हम है, हम रास्ते पे काम कर रहे हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप घर में ही रहे, सुखी रहे और कोविड-19 को दूर करें। सर, जैसे कि आज सरप्राइज मिला है आपको, पूरा म्यूजिक के साथ सड़कों पर आह्वान के साथ लोगों को भी गाइड किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को आज इतना अच्छा सरप्राइज मिला। वायलिन भी आ गए, गायक भी आ गए। मैं अपने लाइफ में आज बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि इस तरह से भी बर्थडे सेलिब्रेट किया जा सकता है, रोड पे भी ऐसे हो सकता है। इसके लिए मैं आप लोगों को और जिन्होंने ये सब अरेंजमेंट। ये जो वाकया है वो है नागपुर के वैरायटी चौक का। गणेश भोयर ऐसा बर्थडे बॉय का नाम है। गणेश भोयर ऐसा बर्थडे बॉय पुलिस अधिकारी का नाम है। गणेश भोयर ये सीतामढ़ी पुलिस स्टेशन में उपनिरीक्षक पद पर कार्यरत है। कल 15 तारीख को उनका जन्मदिन था, जो कोरोना वायरस महामारी के बीच लॉकडाउन की वजह से अपने परिवार के साथ मना नहीं पा रहे थे। इसका उन्हें दुख था, लेकिन सीतामढ़ी पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा पीएसआई भोयर इन्हें सरप्राइज देते हुए जन्मदिन मनाने का निश्चित किया। भोयर इनकी लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी नागपुर के वैरायटी चौक में लगाई गई है। दोपहर 1 बजे कम से कम 25 कर्मचारियों के उपस्थिति में भोयर इनका जन्मदिन मनाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।